जिनको कोई संतान नहीं है वह आँच चलाकर फैलाकर यहाँ पुत्र मांग के इच्छा रखते हैं, उनका पुत्र होने के बाद यहाँ आंचल पर नाच नचाया जाता है। तो ऐतिहासिक है, शक्ति पीठ और शक्तिपीठ वही कहलाया ना, जो सती का जहाँ जहाँ अंग गिरा, प्रधान अंग गिरा वह शक्तिपीठ कहलाया, और उप अंग जहाँ गिरा वह शक्ति पीठ कहलाया। नवरात्र का महीना है, ऐसे में देखिए कि आज हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के पानापुर में है, और पानापुर में भस्मी देवी मंदिर और यहाँ का परिसर में मौजूद है। यहाँ के प्रधान पुजारी बता दें कि रविशंकर दुबे जो यहाँ के प्रधान पुजारी है, इस मंदिर की काफी ज्यादा विशेष मान्यता है और काफी साल पुराना मंदिर है। तो सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ के प्रधान पुजारी से इस मंदिर की विशेषता के बारे में कि आखिर इस मंदिर की विशेषता क्या है। बाबा सबसे पहले तो मंदिर की विशेषता के बारे में से बाबा बताएंगे, क्या कुछ मंदिर की विशेषता है बाबा? यह शक्ति पीठ मंदिर है। शक्ति पीठ जो मंदिर है उस मंदिरों में एक है, यहाँ सती का दाहिना कपोल गिरा था। शक्ति पीठ और शक्तिपीठ वही कहलाया ना, जो सती का जहाँ जहाँ अंग गिरा, प्रधान अंग गिरा वह शक्तिपीठ कहलाया, और उप अंग जहाँ गिरा वह शक्ति पीठ कहलाया। तो यहाँ सती का दाहिना कपोल गिरा हुआ है, इसलिए शक्ति पीठ है। यहाँ जो भी आते हैं उनकी सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती है, कोई खाली हाथ आज तक नहीं गया। और यहाँ जो 1958 तक खसी की बलि होती थी, 1958 में खसी की बलि बंद कर दिया गया। नागा साधु लोग अयोध्या से आए और यहाँ बलि बंद करवा दिए। उनका कहना था कि हमारी बलि हो उसके बाद खसी की बलि हो, तो बलि बंद कर दिया गया। तो उसके बाद कबूतर उड़ाने की प्रथा हो गई। यहाँ कबूतर लोग आकर के मन्नत पूरी होने के बाद कबूतर उड़ाते हैं। जिनको कोई संतान नहीं है वह आँचल आकर फैलाकर यहाँ पुत्र मांग के इच्छा रखते हैं, उनका पुत्र होने के बाद यहाँ आंचल पर नाच नचाया जाता है। तो ऐतिहासिक है। और यहाँ हवन कुंड है, जो बलि होती थी, बलि बंद होने के बाद उसको छोटा रूप कर दिया गया, उसमें हवन हो रहा है, धूप और तीज से हवन होता है। यहाँ मुंडन होता है, भैरव बाबा का स्थान है। यहाँ पांच पीपल के बीच में मैया का, मध्य में मैया का स्थान है, बगल में निकास द्वार के सामने हनुमान जी हैं, उधर बूढ़ी माता हैं। यहाँ बाढ़ कितना भी आया फिर भी इस स्थल पर पानी उसका नहीं चढ़ पाया। यहाँ ग्राम दूर दूर के गांव के लोग यहाँ शरण लेने आते हैं बाढ़ में। नवरात्र के महीने में खास करके बात करेंगे तो यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। काफी भीड़ बढ़ जाती है यहाँ, और ऐसा नहीं है कि वहाँ सप्तमी से ही नहीं, यहाँ प्रतिपदा से ही भीड़ बढ़ जाती है और चारों नवरात्र में भीड़ रहती है। ऐसे 365 दिन तो लोग आते रहते हैं, लेकिन शरद नवरात्र में काफी भीड़ होती है। यहाँ पर प्रतिपदा से ही भीड़ काफी है। आज सुबह 6 बजे से लोग यहाँ लगे हुए हैं, दूर दूर के लोग की ज़्यादा लेट होगा तो भीड़ में हम नहीं जा पाएंगे, दर्शन नहीं होगी। इसके लिए लोग ऐसा मन में भावना बनाते हैं कि सुबह सुबह चले यहाँ ताकि दर्शन हो जाए। ये भस्मी देवी नाम आखिर माता का क्यों पड़ा, क्या कारण है इसका? भस्मी देवी नाम पड़ने का कारण है कि यहाँ जो खसी की बलि होती थी तो उस खसी को प्रसाद के रूप में लोग नहीं ले जाते थे, उसको भस्म किया जाता था। यहाँ खसी को बलि देने के बाद उसको मल मूत्र को नदी में धो करके उसमें घी भर दिया जाता था उसके अंदर, और उस खसी को लेकर यहाँ भस्म किया जाता था, जलाया जाता था। खसी की बलि होने के बाद लोग ले जाते हैं ना अपने घर प्रसाद के रूप में, यहाँ एक छटाक उसका नहीं ले जाया, यहाँ भस्म किया जाता था और उस भस्म को लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे, इसलिए भस्मी देवी के नाम से यह जानी गई। नवमी में जो विशेष करके बलि की प्रथा मानी जाती है नवरात्र के नवमी में, तो यहाँ सारा चीज बंद हो चुका है? हाँ, नहीं, यहाँ तो 10 दिन बलि पड़ती थी और 10,000 खसी की बलि होती थी, और यह 30 फीट स्क्वायर का कुंड था, उसमें आग जलता रहता था और यहाँ सालों भर आग रहता था। ये नहीं कि पर साल वाला आग अलग से नहीं देके अगला साल बनाया जाता था, उस वही आग में फिर रखा जाता था, पूरा पूरा बोटा रख के लकड़ी रखा जाता था, और खसी को बलि देने के बाद मलमूत्र को हटा करके उसको सीधे डाल दिया जाता था उसमें, और वह जलने के बाद उसके भस्म को लेकर लोग प्रसाद के रूप में जाते थे। यहाँ जो लोग तंत्र मंत्र से पीड़ित है या फिर शत्रु बाधा से पीड़ित है वो लोग अगर माता के पास आए तो उनकी क्या समस्या का समाधान होगा? यहाँ किसी सभी 10 महाविद्याओं के जननी है भस्मी माता। तंत्र विद्या के 10 महाविद्या है ना, उसके प्रधान काली हैं, तो वह सभी देवताओं के जननी है यहाँ भस्मी माता, जो अवस्थित है शक्ति पीठ के रूप में। यहाँ बड़े बड़े तांत्रिक आए, अपना अपना तंत्र सिद्ध किए, बड़े बड़े योगी लोग आए यहाँ ध्यान किए, पाठक लोग आकर के दुर्गा पाठ करते हैं, जो रामायण पढ़ने वाले लोग हैं यहाँ रामायण पढ़ते हैं, और हर दृष्टिकोण से यहाँ लाभदायक है। कोई जिस तरह से जैसा भावना लेके आवे सबकी मन्नतें पूरी होती है।
किसी तरह का भूत प्रेत कोई लेके आता है उसके शरीर पर है जो छोड़ नहीं रहा है, यहाँ आने के बाद में एक बार जल छीटा जाता है उसका सब भूत प्रेत सब भाग जाता है, सालों साल का चढ़ा हुआ भूत और ओझा गुनी उसको नहीं कुछ कर पाता है, यहाँ आने के बाद प्रवेश द्वार से प्रवेश करता है कि उसका भूत भाग जाता है। बिल्कुल, तो काफी ज्यादा इस मंदिर की मान्यता है। अनुराग में खास करके बात करेंगे तो भस्मी देवी मंदिर परिसर के आसपास में जो है मेला लगता है और तरह तरह की दुकानें जो है वो देखने को मिलती है, सजी हुई रहती है, दूर दूर से गांव के लोग यहां पे आते हैं। इसके साथ साथ बता दें कि बिहार के कई जिला से जो भक्त है जो माता में आस्था रखते हैं वो सब यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। बने रहिए बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।